हेलो जी, नमस्ते। देसी चूल्हा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है तो हमें भी अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो आज हम गर्मियों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे आप चाहे तो नाश्ते में बनाएं या फिर डिनर में बना सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक कप धुली हुई मूंग की दाल लेंगे। उसी कप से एक चौथाई कप चावल लेंगे। कच्चा चावल है ये, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और हाथों से रगड़ते हुए 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। दाल चावल हमारे साफ हो चुके हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम दाल चावल से थोड़ा ऊपर ही डालेंगे और ढककर 30 मिनट तक इसे फूलने के लिए रख देंगे। 30 मिनट बाद दाल हमारी फूल चुकी है। अब इसे हम एक जार में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए महीन पीस कर पेस्ट तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं दाल चावल को हमें बिल्कुल महीन पीस लेना है, बिल्कुल भी दरदरा न रहे। बैटर हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच या स्वाद के अनुसार। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून डाल देंगे कलर के लिए। जीरा डालेंगे। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को हम साइड में रख देंगे। अब हम एक फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने पनीर लिया है। इस पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। एक थोड़ी बड़ी गांठ अदरक लेंगे, उसे हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। नमक डाल देंगे आधी छोटी चम्मच या स्वाद के अनुसार। बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे 3 से 4। मिर्च आप अपने अनुसार डालें। बारीक कटी हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे, एक तवा रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुराने तवे का यूज़ किया है। इस पे चीले हमारे बहुत अच्छे बनेंगे, इस पे क्रिस्पी भी होते हैं। जब तवा गर्म हो जाए तो आधी छोटी चम्मच घी डाल देंगे, उस पर स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे और एक कपड़े से पोंछ देंगे। अब इस पर हम आधी कलछी बैटर डालेंगे और इस तरीके से फैला देंगे डोसे की तरह बिल्कुल। जब ये किनारे से थोड़े ब्राउन होने लगे तो हम इस पर एक छोटी चम्मच घी डाल देंगे। तवे पर हमें बार बार घी या पानी लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं चीला हमारा बहुत ही इजीली निकल गया है। अब इस पर हम पनीर वाली फिलिंग डालेंगे। थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और किशमिश डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चीले में। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चीला हमारा बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे ओवल शेप में भी बना सकते हैं इस तरीके से। तवा थोड़ा बड़ा है तो इस पे हम एक बार में 2 चीले बना सकते हैं। आप देख सकते हैं चीले की साइज आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो डोसे जितना बड़ा भी बना सकते हैं। चीले का बैटर हमारा न तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा न बहुत ज्यादा पतला होगा। बैटर की कंसिस्टेंसी आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लें। इस चीले में मैंने कोई सोडा या बेकिंग पाउडर का भी यूज नहीं किया है। अब इसे हम हरी चटनी या फिर सॉस या फिर नारियल की चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये नाश्ता हमारा गर्मियों के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है, बहुत जल्दी बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये अपने आप में एक हैवी मील है, आप चाहें तो इसे डिनर में भी बनाकर खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।